आज कमर दर्द वाले जो आसन है पहले बैठ के करने वाले करेंगे, फिर हम लेट के करने वाले करेंगे। तो खास करके कमर दर्द वाले बहुत लोग माताएं बहने गांव में उपलब्ध हैं जो कमर दर्द से परेशान हैं। तो सबसे पहले हम लोग वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए, इस प्रकार से अब इसी वज्रासन में बैठ करके घुटने के बल आप लोग खड़े हो जाइए। देखो अब घुटना में थोड़ा सा फासला करेंगे 3-4 इंच का बैलेंस के लिए। और अब दाहिने हथेली, दाहिने हाथ को हम सीना पे रखेंगे, बाएं को उसके ऊपर रखेंगे। इसका नाम है अर्धचंद्रासन। सांस भरते हुए हम गर्दन को पीछे झुकाएंगे और कमर को थोड़ा सा आगे की तरफ धक्का देंगे। कमर आगे की तरफ जाएगा और गर्दन पीछे की तरफ होगा। तो आइए सांस भरते हुए फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे सांसों को छोड़ते हुए। जिनका नया अभ्यास होगा तो हल्का सा चक्कर जैसा महसूस होगा तो आप पुनः वापस लौट जाएंगे। ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करना है इसको। एक बार और करेंगे, सांस भरिए। फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए आप सीधे हो जाएंगे। अब हाथों को हम बदल लेंगे, जो नीचे था उसको ऊपर कर लेंगे, ऊपर वाले को नीचे कर लेंगे। अब सांस भरते पुनः वही स्थिति, आगे में बैठ जाओ। फिर धीरे धीरे हम वापस आ जाते हैं। कोई भी आसन करेंगे तो सांस भर के हम शुरू करते हैं और ज्यादा देर तक यदि उस आकृति में हमें रुकना है अभ्यास में तो सांस फिर सामान्य हो जाता है, फिर लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते भी हैं। कोई भी आसन कम से कम आधा मिनट से लेकर के 5 मिनट तक किया जाता है सामर्थ्य के अनुसार। तो आप धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएंगे तो आपका कमर दर्द आपका और गर्दन दर्द दोनों में बहुत ही लाभकारी है। ओम।